फिर एक बार बंगाल में बड़ा हादसा का शिकार कांचनजंगा एक्सप्रेस। अभी हम लोग मौजूद है घटनास्थल में, फाशीदावा इलाके के निजबारी इलाके में हम लोग खड़े हुए हैं जहाँ पे ये हादसा हुआ है। जानने में आया है कि कांचनजंगा एक्सप्रेस शियालदा जा रहा था, उसी के बीच पीछे से आकर एक मालगाड़ी ने टक्कर मारी, जिसके चलते रेल पटरी से 3 बोगी उतर गई और इसी के चलते 8 लोगों की मौत हो गई और 49 लोग अभी तक घायल हुए हैं। क्या परिस्थिति था? परिस्थिति तो बहुत खराब था। पहले तो हम लोग ईदपुर के यहाँ पर आया था, वो जो शब्द हुआ है शब्द का साथ साथ यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद देखा तो पूरा ट्रेन पूरा शब्द किया देखा तो ट्रेन एक पलटी हो गया। लोग यहाँ पर था वहाँ पर था, पूरा कन्ना कन्ना चिल्ला चिल्ली कर रहा था। इसलिए हम लोग को संभाला और हमारा हाथ से मैंने 7 डेड बॉडी निकाला और बाकी जो है वो सुस्त था, वो हाथ काटा गया, खैर पैर नहीं है, उसको हॉस्पिटल भेज दिया। ऐसे देखा है तो गैसल का जैसा ऊषा हो गया। हाँ गैसल याद आ रहा है। हाँ उसका स्मृति याद आ रहा है हम लोग का, गैसल जैसा है ऊषा यहाँ यहीं पर हो गया। फिर आप लोगों ने उन लोगों को निकाल के हॉस्पिटल में पहुँचा दिया मेडिकल, और उसका जो सामान था वो सामान में पुलिस में रिकवरी कर दिया। हाँ आप लोगों का कुर्बानी भी था? आज कुर्बानी थी, कुछ बादल कर दिया है हम लोग, ईद पूरा है कुर्बानी बादल कर दिया। इस घटना को देख करके इसे कैसे करेगा हम लोग, बादल कर दिया, हम कल करेगा। आप लोगों ने क्या देखा? देखो हम लोग का 8 बजे ईद खत्म हुआ, हम लोग का नमाज 8:05 में यहाँ पे हादसा हुआ, पूरा भयंकर शब्द हुआ भैया, ऐसा शब्द गैसल का तरह ऐसा देखा है। दोनों ट्रेन बरसात में पूरा उठ गया है, उसके बाद पूरा अल्लाह चिल्ला है पाओ बचाओ बचाओ ऐसे करके हम लोग 7-8 आदमी को बॉडी निकाला। कैसे ड्राइवर लोग था, लेडीज़ था, बच्चा भी था। उसका बाद 35 आदमी को हम लोग मेडिकल भेजा है। RPF या स्टेट पुलिस, स्टेट पुलिस आया था आधा घंटा बाद, RPF बहुत देर में आया है, आया था। एम्बुलेंस हमारा आप लोग अपना प्राइवेट गाड़ी से उन लोग को भेजा था, अभी भी हमारा घर में है आदमी इंजर्ड आदमी। उसका बाद आया था बाद में घंटे दो लोग पुलिस क्या देखा, मतलब क्या परिस्थिति? पहले आता था वो पैसेंजर, उसका बाद मालगाड़ी आके पूरा पीछे से मार दिया। इतना शब्द हुआ ना, इतना शब्द बाप रे बाप। हम लोग सोचा था ब्रेक किया तो साथ साथ आगे तक रेल एक्सीडेंट हुआ, तो आके देखा तो पूरा यहाँ पे पूरा लफड़ा पूरा घासा हो गया, पूरा बचाओ बचाओ। तो ऐसे कोई कोई आदमी को निकाला, जिंदा निकाला, सुबह बाहर करते करते मर गया। तो आप लोगों ने कितना आदमी लुके? हम लोग 7-8 आदमी को निकाला बॉडी बॉडी और ऐसे 30-35 आदमी को निकाला हम लोग। আমি বললাম যে ট্রেন মনে হয় ব্রেক করবো, ব্রেক করবো দুটা ট্রেন একসাথে যাচ্ছে কি ভাবে?